राम चौबाहे के व्यक्ति को मारपीट के आरोप में मझोली न्यायालय ने सुनाई सजा व जुर्माने से किया दंडित। संतलाल कुशवाहा ने थाना मझोली पर उपस्थित होकर सूचना दी कि वह ग्राम चौबाहे छिंदहा टोला का रहने वाला है, खेती किसानी का काम करता है। 22 सितंबर 2016 को सुबह 6 बजे वह अपने घर के पास झाड़ू लगा रहा था, तभी उसके परिवार का अभियुक्त मनोबोध कुशवाहा पिता रामटहल कुशवाहा उम्र 52 वर्ष निवासी चौबाहे थाना मझोली जिला सीधी मध्य प्रदेश उसके पास आया और बोला कि तुम उसके खेत का चारा क्यों काट रहे हो, तो वह बोला कि उसने नहीं काटा है। उसकी औरत 3-4 दिन पहले काटी थी, इसी बात पर से उसे गाली देने लगा। मना करने पर डंडे से उसके सिर पर मारा जिससे खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गया, फिर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा। हल्ला गुहार पर उसकी पत्नी पार्वती कुशवाहा बीच बचाव को आई तो उसे भी एक डंडा दाहिने हाथ की नाड़ी में मारा। इतने में हल्ला गुहार पर पवन द्विवेदी गोविंद्र द्विवेदी आए और बीच बचाव किया, तब वह गाली देते बोला कि आइंदा मिला व दोबारा चारा काटा तो जान से खत्म कर देने की धमकी देते अपने घर तरफ चला गया। मारपीट से उसके सर में खून आलूदा चोट, दाहिने हाथ के गेदली के ऊपर सूजनदार चोट, बाएं हाथ की नाड़ी में सूजनदार चोट लगी एवं पार्वती के दाहिने हाथ में सूजनदार चोट लगी है। फरियादी की सूचना के आधार पर थाना मझोली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मझोली में प्रस्तुत किया गया, जहाँ न्यायालयीन विचारण के दौरान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामराज सिंह के द्वारा शासन की ओर से पेरवी करते हुए अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणाम स्वरूप न्यायालयीन प्रकरण में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझोली द्वारा अभियुक्त मनबोध कुशवाहा को धारा 323 भादवी के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं आहत की चोटों को देखते हुए आरोपी को जुर्माने से दंडित न किया जाकर प्रतिकर की राशि 1000 रुपये अंतर्गत धारा 357 से दंडित किया गया। प्रतिकर की राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप फरियादी आहत संतलाल कुशवाहा को अपील अवधि पश्चात प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया गया।